अकाउंटिंग नो प्रॉब्लम में आपका स्वागत है। मैं हूं आरती। टेली प्राइम की इस वीडियो सीरीज के आज के अध्याय में हम आपको बताएंगे लेजर्स को ऑल्टर और डिलीट कैसे करते हैं। इससे पहले वाली दो वीडियोस में हमने आपको क्रमशः सिंगल लेजर और मल्टीपल लेजर्स बनाना बताया था। इस वीडियो में हम आपको लेजर्स को ऑल्टर और डिलीट करना बताएंगे। तो आज के अध्याय में सबसे पहले हम देखेंगे किसी एक लेजर यानी सिंगल लेजर को ऑल्टर कैसे करते हैं। अभी हम गेटवे ऑफ टैली पर हैं। यहाँ किसी भी ऑप्शन का उपयोग करने के लिए उसे सिलेक्ट करना होता है। उसके तीन तरीके हैं। पहला, अप या डाउन एरो की से उस पर जाएं और एंटर प्रेस करें। दूसरा, माउस से सीधे उस ऑप्शन पर जाकर उस पर क्लिक करें। और तीसरा, आप यहां देख रहे हैं सभी ऑप्शंस में एक अक्षर कैपिटल और बोल्ड है और उसका कलर नीला है। दरअसल ये अक्षर उन ऑप्शंस की शॉर्टकट कीज हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी भी मास्टर्स में ऑल्टर करने के लिए हमें ऑल्टर ऑप्शन पर जाना होता है और जैसा कि आप देख रहे हैं इसकी शॉर्टकट की है ए। हम ए प्रेस कर रहे हैं। ये लिस्ट ऑफ मास्टर्स आ रही है। हम लेजर्स में ऑल्टरेशन यानी कि बदलाव करना चाहते हैं तो यहां से हमें लेजर सिलेक्ट करना होगा। देखिए ऐसा करते ही लिस्ट ऑफ लेजर्स आ गई है और इस लिस्ट में सभी लेजर्स के नाम दिखाई पड़ रहे हैं। आप जिस लेजर को ऑल्टर करना चाहते हैं उसे सिलेक्ट करें, जैसे कि हमने सप्लायर अशोक ट्रेडर्स को सिलेक्ट किया। ये देखिए लेजर ऑल्टरेशन विंडो आ गई है। इसमें लेजर बनाते समय आपने जो भी डिटेल्स दी होंगी वो दिखाई पड़ेंगी। यहां से आप नाम, ग्रुप, मेलिंग डिटेल्स या ओपनिंग बैलेंस इत्यादि जिसमें भी चेंजेस करना चाहें कर सकते हैं। हम मेलिंग डिटेल्स में कुछ चेंजेस कर रहे हैं। अब इस विंडो को कंट्रोल और ए कीज प्रेस करके एक्सेप्ट कर लेते हैं और अब एस्केप की प्रेस करते हुए गेटवे ऑफ टैली पर चलते हैं। अब आपको बताते हैं कि किसी लेजर को स्थायी रूप से कैसे समाप्त करते हैं यानी उसे डिलीट कैसे करते हैं। उसके लिए भी आपको ऑल्टर में ही जाना होगा। ये अभी हम गेटवे ऑफ टैली पर हैं। ऑल्टर में जाने के लिए ए की प्रेस करेंगे, यहाँ लेजर सिलेक्ट करेंगे। अब वो लेजर सिलेक्ट करें जिसे आप डिलीट करना चाहते हैं। ये देखिए लेजर ऑल्टरेशन विंडो आ गई है। इस स्क्रीन पर ऑल्टर और डी एक साथ प्रेस करें। एक छोटी विंडो आएगी जिसमें आपसे पूछा जाएगा कि क्या आप इसे डिलीट करना चाहते हैं। यदि हाँ तो वाई या एंटर प्रेस करें और यदि नहीं तो एन प्रेस करें। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात ध्यान रखें कि जब आप किसी लेजर में कोई ट्रांजेक्शन कर लेते हैं यानी किसी लेजर को लेकर कोई वाउचर एंट्री कर लेते हैं तो उसे डिलीट नहीं किया जा सकता। ऐसी स्थिति में ऑल्टर और डी प्रेस करने पर भी डिलीट का कोई मैसेज नहीं आएगा। यहां हम इस लेजर को डिलीट करना चाहते हैं इसलिए एंटर प्रेस कर रहे हैं। देखिए ऐसा करते ही हम लिस्ट ऑफ लेजर्स पर आ गए हैं और हमने जो लेजर अभी डिलीट किया था वो अब यहाँ पर दिखाई नहीं पड़ रहा है। चलिए अब आपको बता देते हैं मल्टीपल लेजर्स में ऑल्टरेशन कैसे करते हैं। उसके लिए चार्ट ऑफ अकाउंट्स पर जाना होगा जिसके लिए हम एच की प्रेस कर रहे हैं। यहां पर लेजर्स हाइलाइटेड है, एंटर प्रेस करें। ये देखिए चार्ट ऑफ अकाउंट्स की स्क्रीन आ रही है। यहां पर मल्टी मास्टर्स में जाने के लिए ऑल्टर और एच की प्रेस करेंगे। अब यहां पर दिखाई पड़ रहे मल्टी ऑल्टर को सिलेक्ट करेंगे। ऐसा करते ही सेलेक्ट ग्रुप की स्क्रीन ओपन हो जाएगी और लिस्ट ऑफ ग्रुप्स दिखाई पड़ेगी। यदि आपको किसी एक ग्रुप में बनाए गए लेजर्स में कोई चेंजेस करना है जैसे कि उनके नाम, ग्रुप या ओपनिंग बैलेंस में कोई चेंज करना है तो उस ग्रुप को सिलेक्ट कर लें। जैसे यहाँ पर हम बैंक अकाउंट्स ग्रुप को सिलेक्ट करके एंटर प्रेस कर रहे हैं। ऐसा करते ही मल्टी लेजर ऑल्टरेशन विंडो खुल जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने बैंक ग्रुप में दो लेजर्स बना रखे हैं। इनमें से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का नाम और ग्रुप दोनों ही सही हैं, पर दूसरी जो बैंक है उसका नाम बैंक ऑफ इंडिया न होते हुए बैंक ऑफ महाराष्ट्र है।
और इस बैंक से हमने सीसी लिमिट ली हुई है, यानी ये लेजर बैंक अकाउंट्स ग्रुप में न होकर बैंक ओसीसी अकाउंट ग्रुप में होना चाहिए। तो हमको यहाँ पर चेंजेस करना होंगे, तो हम ये चेंजेस कर देते हैं। यहाँ आपने ध्यान दिया होगा कि हमने बैंक ओसीसी अकाउंट सिलेक्ट किया था, पर यहाँ बैंक ओडी अकाउंट लिखा हुआ दिखाई पड़ रहा है। वास्तव में ये एक ही ग्रुप के दो नाम हैं, और इस बारे में हमने आपको लिस्ट ऑफ अकाउंट्स में बताया भी था कि टैली ने कई ग्रुप्स और सब ग्रुप्स को दो दो नाम दिए हुए हैं। यहाँ से यदि आपको ओपनिंग बैलेंस डालना हो या उसमें कोई चेंजेस करना हो तो वो भी आप कर सकते हैं। अब इस विंडो को एक्सेप्ट कर लेते हैं। विंडो को एक्सेप्ट करते ही हम वापस सिलेक्ट ग्रुप की स्क्रीन पर आ गए हैं, जिसमें लिस्ट ऑफ ग्रुप्स दिखाई पड़ रही है। चलिए अब हम किसी भी ग्रुप के अंदर बने लेजर्स को एक साथ कैसे ऑल्टर कर सकते हैं ये देख लेते हैं। उसके लिए ऑल आइटम को सिलेक्ट करें। देखिए ऐसा करते ही मल्टी लेजर ऑल्टरेशन विंडो आ गई है, जिसमें सभी लेजर्स के नाम आ रहे हैं और उनके आगे वो जिस ग्रुप में बने हैं उनके नाम भी दिखाई पड़ रहे हैं। इसके अलावा यदि आपने कोई ओपनिंग बैलेंस दिया होगा तो वो भी यहाँ पर दिखाई पड़ेगा। जैसा कि हमने अभी आपको इसके पहले बताया था, उसी तरह आप यहाँ भी किसी लेजर के नाम, ग्रुप या ओपनिंग बैलेंस में चेंजेस कर सकते हैं। उदाहरण के लिए हमने गलती से अपने कस्टमर सुरेश एंड कंपनी का लेजर सन्ड्री क्रेडिटर्स ग्रुप में खोल लिया था, तो उसे ठीक करके सन्ड्री डेटर्स ग्रुप में कर देते हैं। इसी तरह हम प्रोप्राइटर कैपिटल अकाउंट का नाम बदल कर कैपिटल अकाउंट करना चाहते हैं, वो कर देते हैं। इसी तरह से लेजर में और भी जो कोई चेंजेस करना हो वो किए जा सकते हैं। अब हमें कोई चेंज नहीं करना है, इसलिए हम इस विंडो को एक्सेप्ट कर लेते हैं। दोस्तों हम हर वीडियो में कुछ नई बातें डिटेल में समझाते हैं और बाद में शॉर्ट में उनका उपयोग करते हैं। यदि आप चाहते हैं कि कुछ भी उपयोगी सीखने से आप वंचित ना रह जाएं, तो कृपया सभी वीडियोस को क्रमानुसार ही देखें। इस वीडियो में हमने सिंगल लेजर और मल्टीपल लेजर्स में ऑल्टरेशन कैसे करते हैं ये बताया, साथ ही लेजर को डिलीट कैसे करते हैं ये भी बताया। इसके बाद वाली वीडियो में आप जानेंगे कि सोर्स डॉक्यूमेंट्स क्या हैं और टैली में उनका क्या उपयोग है।